मतलब कपड़े की तरह उन्होंने पति बदलना सही समझा। सही समझा। आप बता रहे थे कि हेडमास्टर के साथ आपको शक है या फिर आपको पता है कि हेडमास्टर के साथ वो भागी हैं? आपके पास साक्ष्य भी हैं? वो हेडमास्टर के ही अंदर में है, कहीं रूम उन्हीं के संरक्षण में है। उन्हीं के संरक्षण में है, ड्यूटी नहीं करती है, फिर भी वो जो उनका अटेंडेंस बन रहा है। बच्चे पूछते नहीं कि पापा मम्मी कहाँ चली गई? बच्चा को भी जो है धैर्य हो गया कि मेरी माँ जो है अब नहीं आएगी, मेरी माँ जो है इस तरह की। लिखा जा रहा कि मेरे पति मुझे पढ़ा रहे हैं, अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो मैं उन्हें 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए दूंगी। जब से SDM ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस सामने आया है, तब से बिहार के कुछ युवक सामने आ रहे हैं और उससे ठीक पहले इनके साथ भी वैसे ही घटनाएं हो चुकी हैं और अब जाकर के इन तमाम घटनाओं का भंडाफोड़ हो रहा है। अभी हमारे साथ वैशाली जिले के रहने वाले चंदन जी हैं, जो कि हमारे बगल में मौजूद हैं। उनके 2 बच्चे हैं, उनमें से 1 बच्चा आपके सामने है और उन्होंने हमें इसलिए यहाँ पर बुलाया क्योंकि उन्होंने बताया कि जो केस अभी पूरे देश में बवाल मचाए हुए है, वैसा केस आज से 8-9 महीने पहले ही हमारे साथ कुछ हो गया है। चंदन जी, क्या हुआ, थोड़ा हमारे दर्शकों को शॉर्ट में बताइए। मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ जो है दुर्गा पूजा से लापता है। लापता है? आपको क्या शक है? राहुल राम द्वारा रखा गया है। राहुल राम कौन है? वही स्कूल के हेडमास्टर हैं। अच्छा, सुनने में आ रहा था कि आपने ही अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके शिक्षिका बनाया और उसके बाद आपकी पत्नी आपको धोखा दे करके भाग गई। इस बात में कितनी सच्चाई है? वो तो जैसे मैंने उनको जो है 2010 में मेरी शादी हुई थी, उनका जो है 2009 में मैट्रिक था जी। और मैंने जो है उनको मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन और टीचर ट्रेनिंग और कंप्यूटर मैं यहाँ से करवाया। उसके बाद मैंने जो उनको जो है कंपटीशन की तैयारी के लिए उनको समस्तीपुर दरभंगा रहा और मैं खुद भी रहा। अच्छा, तो उसके बाद ये तमाम चीजें चल रही थी, आप भी पढ़ाई कर रहे थे, सेम उसी डिग्री के लिए कर रहे थे जिसके लिए आप अपनी पत्नी को पढ़ा रहे थे? जी, सेम वही डिग्री के लिए। तो पैसा वगैरह इसका कौन दे रहा था? आपकी पत्नी कहीं काम कर रही थी या फिर ये तमाम खर्चे आप ही उठा रहे थे? नहीं, जैसे बीच बीच में कुछ खेती बाड़ी कर लेते थे और कुछ जो है रिश्तेदारी से कुछ 2 महीने से कर्जा लेके जो है अपना पढ़ाई पूरा की। उसके बाद जैसे जब कर्जा ज्यादा हुआ तो मैंने 2015 या 2016 में कुछ जमीन बेच के मतलब एक अपनी पत्नी को अपने जमीन बेच करके रिश्तेदारों से कर्ज लेकर के उनके ताने सुन करके पढ़ाया और उनकी पत्नी ने उन्हें धोखा देकर के हेडमास्टर के साथ भागना ही उचित समझा। यह घटना सामने तब आई जब ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य ने का केस जो है वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना और आलोक मौर्य ने सामने आकर के हिम्मत दिखाते हुए इन तमाम चीजों को सामने रखा। उसके बाद चंदन जी को भी लगा कि ये तमाम चीजें तो हमारे साथ भी हो गई है, ये कहानी तो हमारी भी है, तो हमें भी इस चीज को सामने लाना चाहिए वरना गांव समाज के लोग हमें ही गलत समझेंगे। चंदन जी, जब आपकी पत्नी भागी होंगी यहाँ से, कह सकते हैं कि उन्होंने आपको छोड़कर भागना उचित समझा, तो जब वो भागी होंगी तो यहाँ के आसपास के गांव समाज का क्या प्रभाव पड़ा था? मुझे उस पर बहुत जैसे डिप्रेशन में चले गए थे। अच्छा। मुझे तनाव मिलना चालू हो गया था, इसके लिए जैसे हम ये हो गए अंदर घर में खुद को बंद कर घर से टूट गए अंदर से टूट गए। और एक चीज बताइए, पत्नी तो भाग गई, सुनने में आ रहा था कि लव मैरिज था आपका जी। लव मैरिज में भी फिर भी जैसे लव मैरिज कहा जाता है कि लोगों ने खुद अपना जीवन साथी ढूंढ लिया, जो उनके लिए उचित था उन्होंने वैसा ही किया। लव मैरिज का बॉन्ड माना जाता है कि एक दूसरे की मर्जी से बनता है, घर वालों की जबरदस्ती से नहीं, तो फिर क्यों ऐसा चीज आपके साथ हुआ है? अब जो है सो अब उनकी इच्छा पर डिपेंड है। अब उनका इच्छा था कि मैं कपड़ा की तरह चेंज हूँ, तो उनके मतलब कपड़े की तरह उन्होंने पति बदलना सही समझा। आप बता रहे थे कि हेडमास्टर के साथ आपको शक है या फिर आपको पता है कि हेडमास्टर के साथ वो भागी हैं? आपके पास साक्ष्य भी हैं? वो हेडमास्टर के ही अंदर में है, कहीं रूम उन्हीं के संरक्षण में है। उन्हीं के संरक्षण में है, ड्यूटी नहीं करती है, फिर भी वो जो उनका अटेंडेंस बन रहा है। अटेंडेंस बन रहा, ड्यूटी नहीं करती? नहीं कर रही है। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे वो वहां पर भाग करके चली गई, आपके पास नहीं है आज, तो इस बात का दुख है अंदर से या फिर आप चाहते हैं कि वो जहां है वहीं रहे? दुख तो है ही, मगर जो है क्या कैसे इसको जैसे बताया जाए, व्यक्त नहीं कर सकते, इतना दुख है। तो मतलब अब क्या चाहते हैं, अगर आपकी पत्नी आपके पास वापस आना चाहे तो क्या उन्हें रखेंगे? दोनों बच्चा के देखते हुए तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, बच्चे को भी आपके पास छोड़ के चली गई? हाँ। बच्चे पूछते नहीं कि पापा मम्मी कहाँ चली गई? बच्चा को भी जो है धैर्य हो गया कि मेरी माँ जो है अब नहीं आएगी, मेरी माँ जो है इस तरह की गलती। बच्चों को मतलब बच्चे खुद से समझदार हो गए कि भाई मेरी माँ ने गलत किया है, इस बात को पूछ करके पिता को दुख होगा तो इस बात को नहीं पूछना चाहिए। हाँ हाँ। बच्चे क्या कहते हैं इसके बारे में? बच्चे कहते हैं कि पापा मैंने मुझे शादी के लिए कभी जिक्र किया मेरे रिश्तेदार वाले। अच्छा। मैं बोला मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी बच्ची भी बोली मैं पापा इतना
क्या होगा, क्यों क्यों आप शादी कीजिएगा, फिर बच्चा के मुंह देखे हम हैं और रहेंगे। बच्चे मतलब नहीं चाहते कि दूसरी माँ आए, दूसरी सौतेली माँ सौतेली होती है, सौतेली। और माँ के नाम से कहीं ने डर हो गया है, माँ के नाम से डर हो, सौतेली माँ तो सौतेली होती है लेकिन इनकी खुद की माँ जो इन्हें पालती पोसती। और पीछे देखिए ना वो मासूम सा बच्चा, जरा इधर आना बाबू, ये मासूम सा बच्चा है, इसे अभी पता भी नहीं है, इसे लग रहा है कि कोई खिलवाड़ हो रहा है, इसे पता भी नहीं है कि अभी यहाँ क्या चल रहा है। और उसके बाद ये बच्चा अपनी माँ को खो देता है। लोग अपनी माँ को खोने के बाद दुखी होते हैं लेकिन ये बच्चा अपनी माँ को खोने के बाद कहीं ना कहीं अंदर से टूट गया है। माँ के मतलब से इसे शायद नफरत हो जाएगा जब इसे समझ में आएगा कि इसकी माँ ने जो हरकत की है उससे इसके पिता को कितनी ज़्यादा ठेस पहुँची है। अब आप क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें? कार्रवाई चाहते हैं जो मुझे जान से मार देने की धमकी मिला हेडमास्टर द्वारा जी, उस पर जैसे कार्रवाई किया जाए। और जैसे सरिता मैडम ड्यूटी नहीं करती है फिर उसको किस आधार से पेमेंट मिल गया? जैसे कुछ कागज आप दिखा रहे थे। हाँ हाँ, जो मैंने ये जो है सो FIR जो किए हैं जी, वो पेपर है जो, और इसके बाद मैंने मुख्यमंत्री जी को, मैंने शिक्षा मंत्री जी को, मैंने मुख्य सचिव जी को, मैंने प्राथमिक निदेशक जी को, मैंने अपर सचिव जी को, मैंने प्रधान सचिव जी को, मैंने संग्रहालय समस्तीपुर, शिक्षा पदाधिकारी समस्तीपुर और शिक्षा महोदय स्थापना समस्तीपुर को मैंने कुछ जैसे भेजे थे उसका यह है जो जाँच के लिए। अच्छा। जो मैडम स्कूल नहीं करती फिर भी अटेंडेंस कैसे बन गया? और मतलब तमाम इससे जो भी जुड़े हुए लोग अधिकारीगण हैं उन तक आप पहुँच चुके हैं कागजी रूप से? जी, कागजी रूप से उनको जो है स्पीड पोस्ट कर दिए हैं। ये रहा मैडम का साइन जो कि जाली साइन है, जाली साइन करवाया जा रहा है। जाली साइन करवाया गया है। उसके बाद मैंने जो है DO साहब के पास गया था बच्चे के लेके, उसके बाद मैडम द्वारा जो है हेडमास्टर द्वारा जो जाली जो है से मेडिकल का रिपोर्ट है इस तरह। अच्छा, मेडिकल का रिपोर्ट जाली रूप से लगा दिया गया। हाँ, जाली है, जैसे मेडिकल थोड़ी, ये तो एप्लीकेशन है। अच्छा। और जैसे पहले लिखा था चिकित्सा अब्सेंट, अब्सेंट लिखा रहा है। अच्छा। तो चिकित्सा के बाद अगर चिकित्सा दी तो चिकित्सा के बाद उसका मेडिकल चाहिए, कोई मेडिकल नहीं है। उसके बाद जो है ग्रामीण द्वारा जैसे आरोप है वो प्रति यहाँ लगा हुआ है जो स्कूल नहीं करती फिर भी मैडम का किस तरह से अटेंडेंस बन रहा है वो मैडम का ये है। उसके बाद जो है से पंचायत क्या कहते हैं पंचायत सचिव ने जो स्पष्टीकरण मांगा वो नहीं दिया आज तक, वो रिपोर्ट है। उसके बाद मैंने मुखिया जी को जो है से चारों पट्टी से खोजा, सरिता मैडम नहीं आती है। तो सरिता मुखिया जी और पंचायत सचिव को आवेदन दिया कि मैडम नहीं आती तो किस आधार से आवेदन अटेंडेंस बन रहा है। तो मुखिया जी और मतलब तमाम लोगों तक जिन तक आप पहुँच सकते थे उन तक आप लोग पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री को भी आपने लेटर लिख दिया। उसके बाद मैंने शिक्षा सूचना के अधिकार के अंतर्गत BO साहब से मैं कुछ स्कूल का ब्यौरा मांगा जो आज तक मुझे नहीं मिला है। और उसके बाद जैसे मैंने सूचना आयोग पटना को भेजा हूँ जो अभी तक वो भी नहीं आया, वो आ जाएगा जल्दी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी भी बहुत सारे ऐसे पति होंगे जो अपनी पत्नियों को इस तरीके से पढ़ा रहे होंगे, उन्हें भी जुनून होगा कि मैं अपनी पत्नी को, मैं आगे नहीं बढ़ सका तो अपनी पत्नी को मैं आगे बढ़ाऊंगा और उनको आगे बढ़ा करके हमारा जीवन अच्छा चलेगा, उन्हें क्या संदेश दीजिएगा? उनको संदेश देंगे यही कि बेटी पढ़ाओ पत्नी मत पढ़ाओ, यही संदेश, यही संदेश दूंगा। आजकल तो सोशल मीडिया पे एक बॉन्ड पेपर भी चल रहा है जिसमें लिखा जा रहा है कि पत्नी का नाम ऊपर और लिखा जा रहा है कि मेरे पति मुझे पढ़ा रहे हैं, अगर मैंने उन्हें धोखा दिया तो मैं उन्हें 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए दूंगी। तो क्या इस तरीके का बॉन्ड पेपर बनाना चाहिए? हाँ, अगर ये है तो ये भी सही है, अगर बना लेते हैं आप तो शायद उसी डर से आपकी पत्नी छोड़ के नहीं जाती। नहीं जाती। आज दोनों बच्चे के ऊपर से माता का साया उठ चुका है। हाँ, आप भी पूरी तरीके से परेशान हैं। हम भी परेशान हैं, दोनों का बच्चे का माता पर से साया उठ चुका है, उनका माता पिता हम ही हैं। बाकी क्या सोचते हैं इस गंभीर मुद्दे के बारे में और बिहार के अलग अलग कोनों से ऐसे मुद्दे दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं? इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार। जय हिंद।